क्योंकि अर्जुन वहां पर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो भगवान ने एक बात कही है, जायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पुजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो पुजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विप्रवाह स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यह सूत्र, कोई भी चीज हमारे जीवन में कैसे आती है, धायतो विषयान पुंसा, हमने किसी विषय का ध्यान करा फिर कामना हुई उसको प्राप्त करने की, अब वो प्राप्त नहीं होगी तो क्या होगा, क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो बुद्धि बिगड़ेगी, एक बार बुद्धि बिगड़ी तो फिर और कुछ बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिगड़ जाता है। संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है बुद्धि, इसलिए हमारे सब बड़े बूढ़े कहते हैं भगवान हमें सदबुद्धि देना, और भगवान ने यही बात गीता में कही है अर्जुन से, जब मैं किसी पर प्रसन्न होता हूँ तो क्या देता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम, है अर्जुन मैं जिस पे प्रसन्न होता हूँ उसे बुद्धि देता हूँ, क्योंकि जिसके पास बुद्धि है उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, वो सब चीज उसके पास आ जाती है कि बुद्धिमान हो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है बुद्धि, और ये बुद्धि भी अगर बिगड़ी तो ये कुमति बन जाती है, और सुधरी तो सुमति हो जाती है, और इस बुद्धि में श्री आ जाए तो ये श्रीमती हो जाती है। जो अपने पति से भोजन करते समय नहीं झगड़ती वो श्रीमती, और जो अपने पति से भोजन करते समय झगड़ती है वो जो भी मती हो वो जाने। देखो दो समय नहीं झगड़ना चाहिए, महिलाओं को विशेषकर दो समय चुप रहना चाहिए, एक तो भोजन बनाते समय और एक भोजन कराते समय, और उसके बाद तो फिर खूब झगड़ो, उसके बाद झगड़ो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी एक वो वैलेंटाइन डे आ रहा है ना, बेलन, उसके आगे लगा बेलन, तो बेलन लेके झगड़ो उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जो ज्यादा हंस रहा है ना मतलब वो सब झगड़ते हैं, बेलन लेके, चलो ये तो हुआ हास्य, चलो।